विरोधी कट मनी का आरोप लगाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे कि टीएमसी की सरकार कट मनी चलता है। अरे विरोधी तो बोलेगा, वो तो कर नहीं पाता। विरोधी उसको तो करना चाहिए, एमएलए है। अरे एक विरोधी एमपी है, उसको करना चाहिए, उसको लाज लगना चाहिए जी। ये बात कटमनी का वो बोलते हैं, ये हाईवे नेशनल नहीं है, ये गांव वाला रास्ता है। इसमें एक इंची पीच होता है, एक इंची, उसमें गोरू गाड़ी चलता है, लोड गाड़ी चलता है, उसलिए थोड़ा दिन बाद ये कट जाता है। ये तो इसमें 8 इंच मेल का नहीं है जो 8 इंची या 12 इंची होगा, 1 इंची होता है गांव वाला रास्ता में, 1 इंची होता है, उसीलिए कट जाता है। वो बोलता है विरोधी, एक तो बात और बोलता है, बोले पागले खाई ना कि पागले बोले ना कि और छागले खाई ना कि ওদের কাছে তার বলার কিছু নাই। ওখন বলবে রাস্তা হচ্ছে, ওখানে ওরা কাটমনে নিচ্ছে। আরে ভাই কাটমনে নিচ্ছে, তুমি এমএলএ আছে, তুমি করে দেখাও। আজ যে রাস্তা हम लोगों को बनाया है কালীবাড়ি से কিষানগঞ্জ, कितना दिन हो गया बनाने का, अभी एक तो पत्थर भी उठा है। जहाँ पटवा हट्टी से धर्मपुर, वो रास्ता का एक तो पत्थर उठा है क्या? जहाँ गंड यहाँ पटवा हट्टी से लेके गंडल दलकोला, एक तो पत्थर उठा है क्या? तो रास्ता पर, रास्ता का ऊपर से बात होता है। ये जिला वाला रास्ता है, नया रास्ता में काम हो रहा है, लोड गाड़ी जब चल रहा है, 1 इंच ढलाई इसमें ये होता पीच होता है, वो कट जाता है। गोरू गाड़ी में वो जो चक्का होता है उसका लोहा वाला, वो गिट्टी पर चढ़ता है तो लोड गाड़ी में वो कट जाता है, कट जाने के बाद उखड़ जाता है। एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले भी काम होता था लेकिन बीच में लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया, फिर लॉकडाउन के बाद जिस तरह से अभी रोड रास्ते का काम तृणमूल के अमल में जो स्पीड पकड़ा है, तो क्या ये विधानसभा निर्वाचन के बाद भी जारी रहेगा या फिर ये विधानसभा निर्वाचन को नज़र में रखते हुए अभी थोड़ा सा स्पीड हाई कर दिया गया है? वो ये मामाटी मानुष सरकार ममता बनर्जी, हम लोग का यहाँ 3 साल से क्षमता में हम लोग हैं, वो काम रफ्तार चल रहा है, उसको तो हम लोग अभी कुछ दे नहीं पाए हैं। हम लोग एमएलए दिए विक्टर को, वामपंथ को, आईएमपी दिए हैं बीजेपी को, तो दीदी वो क्या पाया, दिया नहीं दिया, हम लोग को उसी का इसमें है। तो ये लॉकडाउन में 1 साल काम बंद था, वो काम होते रहता है, अभी सुजोग मिला है वो काम करते रहेगा। इलेक्शन का बाद चकेलिया में अगर हम लोग एमएलए जिता के दे दे तो चकेलिया सोनार बांग्ला होवे।